सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। एचसी क्लासेस के करंट पॉइंट टू पॉइंट प्रोग्राम में आज हम चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना के बारे में। आइए जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में डोर स्टेप राशन डिलीवरी योजना मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना पर रोक लगा दी है। चलिए जानते हैं क्या है घर घर राशन योजना। इस योजना की घोषणा दिल्ली सरकार द्वारा सन 2020 में कर दी गई थी। इस घोषणा में सरकार द्वारा ये बताया गया था कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए बायोमेट्रिक पहचान होना अनिवार्य है। इन बायोमेट्रिक मशीनों से लाभार्थियों की पहचान करके उनके घर तक डोर स्टेप डिलीवरी कराई जाएगी। राशन की डिलीवरी करने वाले वाहनों पर GPS सिस्टम भी लगाया जाएगा। इस योजना के तहत प्रत्येक राशन लाभार्थी को 4 किलो गेहूँ का आटा, 1 किलो चावल और चीनी घर पर प्राप्त होता है। वर्तमान में 4 किलो गेहूँ, 1 किलो चावल और चीनी उचित मूल्य की दुकानों से मिलता है। योजना के तहत गेहूँ के स्थान पर गेहूँ का आटा दिया जाता है और चावल को साफ करके पैकेट में दिया जाता है। इन पैकेट पर तैयार होने की भी तथा एक्सपायर होने की तिथि होगी। इस योजना के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से गेहूँ लाया जाएगा और उसे पिसवाया जाएगा। चावल और चीनी आदि की भी पैकिंग की जाएगी और उसे लोगों के घर घर तक पहुंचाया जाएगा। लोगों को ये विकल्प दिया जाएगा कि जो परिवार दुकान पर जाकर राशन लाना चाहते हैं वह दुकान पर जाकर ले सकता है और यदि कोई होम डिलीवरी चाहता है तो वह उसका विकल्प इस्तेमाल कर सकते हैं। केंद्र सरकार की वन नेशन वन कार्ड योजना को पूरा करती है ये योजना। आइए जानते हैं भारतीय खाद्य निगम के बारे में। भारतीय खाद्य निगम उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के अंतर्गत शामिल सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। FC एक सांविधिक निकाय है जिसे भारतीय खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत वर्ष 1965 में स्थापित किया गया। देश में भीषण अन्य संकट विशेष रूप से गेहूँ के अभाव के चलते इस निकाय की स्थापना की गई थी। इसका मुख्य कार्य खाद्यान्न एवं अन्य खाद्य पदार्थों की खरीद, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री करना है। FCI का संगठनात्मक प्रारूप FCI नई दिल्ली में स्थित अपने मुख्यालय, 5 आंचलिक कार्यालयों, 25 क्षेत्रीय कार्यालयों और 170 जिला कार्यालयों के देशव्यापी नेटवर्क के माध्यम से अपने कार्यों का समन्वय करता है। आइए जानते हैं FCI के उद्देश्यों को। किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करना, प्रत्येक व्यक्ति के लिए हर समय खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करना, खाद्यान्नों के क्रियात्मक बफर स्टॉक का संतोषजनक स्तर बनाकर राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से संपूर्ण देश में खाद्यान्न का वितरण, किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए प्रभावी मूल्य सहायता ऑपरेशन। HC क्लासेस के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।